YouTube channel In Sync with Nidhi. आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज रिगार्डिंग द स्किन केयर रूटीन दैट आई डू ड्यूरिंग नाइट टाइम. सो सोने से पहले वॉट ऑल प्रोडक्ट्स आई यूज टू मेक श्योर कि जब मैं सुबह उठूँ तो माई स्किन इज नॉट डिहाइड्रेटेड एंड इट्स ऑल्सो नॉट ड्राई. माई स्किन टाइप इज ड्राई प्लस सेंसिटिव. सो अगर आपका भी सिमिलर स्किन टाइप है फील फ्री टू गो अहेड एंड ट्राई द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज. बट सी सिंस आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट तो मैं एश्योर नहीं कर सकती हूँ दैट दीज प्रोडक्ट्स विल वर्क ऑन योर स्किन. बट या यू कैन गिव इट अ ट्राई बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर डूइंग वंडर्स ऑन माई स्किन. सो आई यूज दिस कामा आयुर्वेदा रोज वाटर स्प्रे विच इज सो एक रिफ्रेशिंग. बस आपको दो तीन पम्प स्प्रे करना एंड यू आर सेट. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगी बाय यूजिंग दिस प्लशी हेडबैंड. ये मैंने अभी अभी लिया था फ्रॉम जूडियो. यस, वहाँ से मैं ये लेकर आई थी एंड ऑफ कोर्स मी बीइंग अ लिटिल क्लमजी. तो सबसे पहले हेडबैंड लगाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरे बाल सब गीले हो जाएं. देन सबसे फर्स्ट स्टेप इज़ टू डू क्लेंजिंग. यहाँ पर आई एम यूजिंग टू क्लेंजर. वन इज़ ऑयल क्लेंजर और दूसरा इज़ बेसिक क्लेंजर. सो डबल क्लेंजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज अगर आप मेकअप वगैरह यूज़ करते हो देन ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं यहाँ पर क्यों कर रही हूँ क्योंकि आई हैड अ वेरी टायरिंग डे और बहुत ऐसे स्वेटिंग हो गई थी एंड आई डिड इवन दो मैंने स्किन केयर करके गई थी मैं सुबह मैंने मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन सब लगाया था बट स्टिल आई थॉट कि मे बी मतलब मुझे कर लेना चाहिए डबल क्लेंस. देर इज़ नो हार्म इन इट. सो अभी तो मैंने दोनों अलग अलग स्टेप में किया. आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक ही बार आप दोनों क्लेंजर जो है साथ में यूज़ कर सकते हो एंड देन यू जस्ट वॉश योर फेस एंड देन दैट्स इट. सो फेस वॉश मेरा हो गया है. नाउ लेट मी जस्ट पैट ड्राई माई फेस. आई विल यूज़ माई फेस टॉवल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैट करो रेदर देन रब क्योंकि उससे बहुत मतलब मेरी स्किन तो बहुत ड्राई है तो उससे बहुत ज़्यादा ऐसे पैचेज आ जाते हैं. सो आई अवॉइड दैट. नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप आई डू इज़ मैं ये एक कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर टोनर काइंड ऑफ थिंग आप कह सकते हो और सिंपल इट्स रोज़ वाटर. इसके इन्ग्रीडियंट में सिर्फ गुलाब जल है और कुछ भी नहीं है. सो सिंपली 3-4 पम्प्स अब मैंने अपने फेस पर किए एंड इट फील सो रिफ्रेशिंग एंड आप बस एक बार हाथ से ऐसे आप इसको ड्राई कर सकते हो. देन इतना सब पानी और मॉइस्चर यूज़ करने के बाद योर हैंड गेट्स ड्राई. सो आई यूज़ दिस बाथ एंड बॉडी वर्क्स की हैंड क्रीम. इसका फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड इट्स ऑल नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स. देन फॉर लिप केयर आई एम यूजिंग दिस लिप बाम फ्रॉम लेनीज. दिस इज़ ओके दिस इज़ अ डेथ स्टेयर बट दिस इज़ आई गेस स्ट्रॉबेरी वन. या दिस इज़ स्ट्रॉबेरी वन. इसका कोई टेंट नहीं है. बहुत ही लाइट मतलब कलर है इसके ऊपर बट इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग. सो या दिस इज़ द वन दैट आई यूज़. उसके बाद लेट्स कम टू दिस बेबी ऑयल. दिस इज़ फेस ऑयल. एक टेस्टर आया था व्हेन आई ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम नायका. सो या आई एम यूजिंग दिस बट एक्चुअली ये मैंने अभी यहाँ पर यूज़ कर लिया बट द थिंग वॉज ये अप्लाई करने के थोड़े टाइम के बाद इट डिड नॉट सूट माई स्किन और मुझे आईज़ में से बहुत ज़्यादा से पानी आना शुरू हो गया था. सो आई वुड नॉट यूज़ दिस अगेन. देन दिस इज़ दीज आर दिस अंडर आई पैचेस. बहुत मैं बोलूँगी ये जो है बहुत ही ना लाइट है ये एक्चुअली और इसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा जेल भी है. तो इसको मैं 10 मिनट तक रख के रखूँगी एंड उसके बाद आई जस्ट सिंपली रिमूव दिस और जो मॉइस्चर है उसको मैं रब कर सकती हूँ अंडर आईज पर. वेल दैट इज द होल रूटीन दैट आई फॉलो. नो 10 और 20 स्टेप्स ऑफ स्किन केयर. जस्ट सिंपल डबल क्लेंस योर फेस. पुट ऑन सम रोज वाटर एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मैंने ऑयल यूज किया था एंड यू कैन सी द स्किन इज शाइनिंग लाइक एनी थिंग. सो या दैट इज इट. आई रियली होप दैट यू लाइक द वीडियो. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स.